बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डाइटिशियन फायका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक पर डिस्कशन की थी। मैंने उनकी टाइप्स बताई थी, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, गुड कार्ब्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या हैं, बैड कार्ब्स क्या हैं। और आज मैं उसी से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन पर बात करती हूँ कि हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं, देन कैसे अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर मैंने स्लाइड्स खुद नहीं बनाई हुई, मैं पहले बता दूँ, हमारी मैम ने हमें रिप्रेजेंट की थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि अगर किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो और मेरी भी रिविजन हो जाए। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन मेनली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़, बड़ी चीज़ की जो कोई भी लार्ज अमाउंट है उसकी ब्रेक डाउन करना, उसको छोटे छोटे पीस करने। तो यहाँ पे जो डाइजेशन की वो लिखी हुई है, आपने यहाँ पे जो डाइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है वो है कि डाइजेशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल दैट कैन बी पास इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी ऑर्गन। ऑब्वियसली हम कोई भी फूड लेंगे वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा, उसकी ब्रेक डाउन होगी, देन वो वाटर सोल्यूबल एक मतलब जेल फॉर्म बना देंगे। ठीक है, उसके अंदर से जो फूड के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमारी ब्लड में जाके ब्लड में पास आउट होंगे, इंजाइम्स उन्हें पास आउट करेगा एंड देन वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप है डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन इज ऑफन ब्रोकन इन टू टाइप्स। नंबर वन इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड देन केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है? हमने फूड अपने मुंह में रखा, फिजिकली हमारे टीथ ने, हमारे जो जॉ ने मूवमेंट के साथ उस जो फूड है उसको च्यू किया, उसको चबाया, उसको अंदर उसकी ब्रेक डाउन की छोटे पार्ट्स में ताकि हम हमारे एसोफेगस से इजीली पास आउट हो सके। और दूसरी कौन सी डाइजेशन है? केमिकल डाइजेशन। हमने फूड मुंह में रखा, ठीक है, अब हमारे स्लाइवा ने एंजाइम रिलीज किया, स्लाइवरी अमाइलेज, उस एंजाइम ने फूड की ब्रेक डाउन स्टार्ट की। ठीक है, और फिर उसे इजीली ताकि उसकी डाइजेशन हो सके हमारे आगे फर्दर बॉडी के ऑर्गन में जाने के बाद। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ठीक है, इट इज़ अ ब्रेक डाउन एंड डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड इनटू दिस सिंपल यूनिट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड्स हैं और ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ऑब्वियसली वो एक लॉन्ग चेन्स हैं, वो लॉन्ग चेन्स हमारे पास स्मॉलर चेन में टूटेंगी जब डाइजेशन होगी। सही है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन यही है कि जो हमारे पास ब्रेक डाउन होगी और डिग्रेडेशन होगी वो पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स की सिंपल यूनिट मोनोसेक्राइड में होगी। अब इन्होंने तीन टर्म्स बताई हैं कि डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, नॉन डाइजेस्टेबल कौन से हैं और वो कौन से हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है। तो डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, लैक्टोज और सुक्रोज। उसके बाद नॉन डाइजेस्टेबल वो हैं जो सेलुलोज है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। ठीक है, ये प्लांट्स का पार्ट है। डू नॉट नीड डाइजेशन, हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स में हेक्सोज और पेंटोज है, जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, वो मतलब ई मीन्स ग्लूकोज और लैक्टोज, मतलब ये हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी में जाके। ठीक है, अब यहाँ से अब फर्दर मैं डाइजेशन का प्रोसेस बताती चलूँ। अब सबसे पहले मैं आपको एक फर्दर सा छोटा सा रिव्यू देती हूँ, उसके बाद स्लाइड्स रीड करती हूँ। हमारे पास माउथ में फूड गया, ठीक है, माउथ में हमने फूड जैसे ही रखा, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हूँ, मुंह में रखा, स्लाइवा हमारे दांतों ने उसे चू किया, हमारे पास स्लाइवा था, उसने एंजाइम रिलीज किया स्लाइवरी अमाइलेज, उस स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने उसकी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, माउथ में ही हमारी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सही हो गया। अब देखें, बहुत केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन अकर इन माउथ, दोनों करूंगी, एक टीथ करेगा और दूसरा मैकेनिकल, मैकेनिकल और दूसरा केमिकल मींस एंजाइम, जो हमारा स्लाइवा में एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, वो डाइजेशन करेगा। ठीक हो गया। अब वहां पे क्या होगा कि यू बिगिन टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, द माइन्यूट फूड हिट्स योर माउथ, स्लाइवा सिक्रेटरी और स्लाइवरी अमाइलेज। ऑब्वियसली जब स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास स्लाइवरी अमाइलेज रिलीज करेगा, हमारे फूड को मॉइस्चर करेगा ताकि वो अच्छी तरह
चूड हो सके, अच्छी तरह चबा सके हम उसे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में भी यही बताया हुआ है कि सलाइवा रिलीज एन एंजाइम अमाइलेज व्हिच बिगिन द ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ शुगर्स इन द कार्बोहाइड्रेट्स यू आर ईटिंग। देन अब क्या होता है कि जो इस पूरी स्लाइड में भी यही बताया हुआ है कि हमारे सलाइवा ने सलाइवे अमाइलेज एंजाइम रिलीज करना है और उसके बाद उसको छोटे छोटे, ताकि वो उसकी जो फूड की मेस्टिकेशन हो सके, फूड छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन हो सके और इजीली डाइजेशन हो सके फूड की आगे जाके फर्दर, ठीक है। अब फूड जब हमारे यहाँ पे ये बताया हुआ है कि यहाँ हमारे ये जो ये प्रोसेस है, ये हमारे पास सलाइवरी पेट्रॉइड ग्लैंड है, ये सबलिंगुअल ग्लैंड है और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ये सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया, मतलब ये हमारे पास मुंह के अंदर पड़े होते हैं जो हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करते हैं और हमारी फूड में डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब सलाइवरी अमाइलेज वर्क ऑन इनसोल्युबल स्टार्च इन ब्रेक डाउन इट इनटू माल्टोज। हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज जो इनसोल्युबल स्टार्च होगा, एक स्टार्च हमारे पास लंबी चेन है, ऑब्वियसली जब अमाइलेज उस पर एक्ट करेगा तो उसको छोटे छोटे माल्टोज टू यूनिट्स में, डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा। और सलाइवरी अमाइलेज हमेशा हमारे पास अल्कली कंडीशन में रिएक्ट करता है, एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्ट करना बंद हो जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, स्टमक में जाके कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, सलाइवरी अमाइलेज हमारे पास जो फूड के साथ आ रहा था वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, फूड में हमने च्यू कर दिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में एक ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब हम उसे हमने उसको निगला, वो हमारे पास एसोफेगस में गया। वो एसोफेगस क्या है, हमारे पास एक वॉल है जो हमारे मुंह को, हमारी माउथ और स्टमक को कनेक्ट कर रही है, जहाँ हमारे मुंह से डायरेक्ट स्टमक में जो फूड को भेज रही है, ट्रांसपोर्ट कर दिया। एस बोलस ऑफ फूड, हमारे पास मुंह में था वो फूड था, उसे हमने च्यू किया, हमने उसे एसोफेगस में डाला। एसोफेगस में जाने के बाद वो उसको बोलस कहेंगे, ठीक है। एज द बोलस ऑफ फूड ट्रेवल थ्रू द एसोफेगस ऑफ द स्टमक, जब एसोफेगस से स्टमक में जाएगा तो कोई भी डाइजेशन ना कार्बोहाइड्रेट की वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अच्छा ये इसकी भी मैंने आपको रीजन बता दी कि वहाँ पे हमारे पास स्टमक में क्या होता है, HCL होता है, ठीक है, काफ़ी वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। तो वहाँ पे हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज आके उसकी जो ब्रेक इनएक्टिव हो जाएगा और वो जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन कर रहा था वो स्ट्रोक हो जाएगा। पेरिस्टाल्सिस इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रेक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब वो क्या करेगा कि वो जब ये इन्होंने बताया कि एसोफेगस से कैसे पास आउट करेगा वेव लाइक मोशन में। आप ना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसे होती है, आप अपनी मुट्ठी खोलें और बंद करें, उस मूवमेंट से हमारे पास एसोफेगस में फूड पास आउट होता है स्टमक में, ठीक है। ये कहाँ से होता है, हमारे पास एसोफेगस से स्टार्ट होता है और फूड स्टमक में आ जाता है, यही बात बताई हुई है। देन बात करते हैं, व्हेन कार्बोहाइड्रेट रीचेस द स्टमक नो फर्दर केमिकल ब्रेकडाउन अकर। अब वहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन नहीं होगी कोई भी, उस पर वो जो एंजाइम अमाइलेज रिएक्ट कर रहा था वो एसिडिक कंडीशन की वजह से काम करना वहाँ बंद कर देगा, लेकिन मैकेनिकल होगी क्योंकि हमारे स्टमक में भी मूवमेंट हो रही है, पेरिस्टाल्सिस कंट्रेक्शंस हो रही हैं, जो अंदर HCL होगा या जो अंदर हमारे पास अदर फर्दर एंजाइम्स पड़े होंगे उसको फूड के साथ मिक्स आउट करेगा और उसको एक काइन की शक्ल में बना देगा। हमारे पास फूड एसोफेगस में था तो उसे बोलस कहा था, जब स्टमक में आया तो काइन बन गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गया स्टमक से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सीन हुआ कि जो काइम है ना वो हमारे पास एक्सपेल्ड हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जैसे वो आया ना, एंट्री हुई, तो हमारे पास साथ ही पड़ा है पेंक्रियास। पेंक्रियास ने क्या करना है, उसने पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करना है। वो जो पेंक्रियाटिक जूस होगा उसमें क्या होंगे, इंजाइम्स होंगे पेंक्रियाटिक अमाइलेज, जो दोबारा से हमारे पास जो डेक्सट्रीन है जो उसको, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है था उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दी, उसको छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स चेन में कन्वर्ट कर दिया। और मतलब हम अगर हमारे पास जैसे हम मैं अगर आपको कह दूँ हमारे पास कोई भी ओलिगोसैकेराइड्स था या हमारे पास कोई भी पॉलीसैकेराइड्स था उसको ग्लूकोज फ्रुक्टोज और लैक्टोज में कन्वर्ट कर देना है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, ठीक है। अब
इसके साथ एडिशनली इंजाइम और सिक्रेटरी बाय इंटेस्टाइनल सेल डेट लाइन द विलाए, ठीक है, हमारे पास जो इंटरनल मेम्ब्रेन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, वहां पे जाके इंजाइम्स भी रिलीज होंगे और ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी. दीज इंजाइम्स नॉन कलेक्टिवली एज डायसेक्राइड्स, सुक्रेज, माल्टेज एंड लेक्टेज. ये तीन इंजाइम ऐसे होंगे, सुक्रेज हमारे पास सुक्रोज की ब्रेकडाउन करेगा, माल्टेज ए एस सी जिसके आगे आए ना, क्योंकि इंजाइम्स को हमने इसी से कहा था कि जिसके आगे ए एस सी आए वो इंजाइम्स होंगे. सुक्रेज हमारे पास सुक्रोज की ब्रेकडाउन करेगा, माल्टेज हमारे पास माल्टोज की ब्रेकडाउन करेगा, और लेक्टेज हमारे पास लेक्टोज की ब्रेकडाउन करेगा. इसकी ब्रेकडाउन करके वो फ्रुक्टोज, लेक्टोज और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बना देगा, ठीक है. वंस कार्बोहाइड्रेट केमिकली ब्रोकन डाउन इंटू सिंगल शुगर यूनिट, दे आर देन ट्रांसपोर्टेड इंटू इनसाइड ऑफ हिस्टाटेल. जब ये केमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगी तो ये जो हमारी इनसाइड वॉल होगी उसकी इंटेस्टाइनल सेल की, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. इस स्लाइड में यही बताया हुआ है कि हमारे ऊपर जो पॉलीसेक्राइड्स थे, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन थे, उन पे अमाइलेज ने रिएक्ट किया, ठीक है, माल्टोज बना, डाइसेक्राइड बना. उस माल्टोज पे अब हमारे पास अगर माल्टोज है तो उस पे माल्टेज रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज बना देगा. सुक्रोज है, उस पे सुक्रेज रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देगा. और लेक्टोज है तो वो लेक्टेज उस पे रिएक्ट करके, एंजाइम रिएक्ट करके, उसकी ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज और लेक्टोज बना देगा. मींस हमारे पास तीन टाइप्स की ब्रेकडाउन हो रही है, तीन टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लेक्टोज, ठीक हो गया. अब क्या होगा, कॉलोन, एनीथिंग जो भी डाइजेशन के बाद प्रोसेस बचेगा, जो मतलब ग्लूकोज समझ लें आप ब्लड में चला गया, ठीक हो गया. अब जो बाकी लेफ्ट ओवर बच जाएगा उस वो कहाँ जाएगा, कॉलोन में जाएगा, ठीक है. वो उसकी जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होंगे हमारे पास, आई थिंक बिफिडो बैक्टीरिया शायद, हाँ, वो हमारे पास इसकी फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे. लेकिन जो हमारे पास फाइबर होता है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स में एक फाइबर होता है जिसकी ब्रेकडाउन तब भी नहीं होती, इट रिचेज द कॉलोन इन द उसके बाद, मतलब ये क्या होता है कि हाँ, जब हमारे पास फाइबर का हमारे पास फायदा क्या है कि वो हमारे जो बाउल मूवमेंट है उसको स्लो डाउन करता है, उसके मेन और भी वॉर फंक्शंस हैं. तो कार्बोहाइड्रेट जब निकलता है तो हमारे पास एक्सेस वाटर को, एक्सेस कोलेस्ट्रोल को, और मोस्टली चीज़ें जो हमारी बॉडी को हार्मफुल कर रही होती हैं उसको अपने साथ बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. अच्छा, इस स्लाइड में ना बिल्कुल सारी समरी बताई हुई है ओवरऑल, कि ये हो रहा है और ऐसे ऐसे हो रहा है. तो दोबारा आई थिंक मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं, मैं आगे चलती हूँ. अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है, लैक्टोज ये मोस्टली तकरीबन अब तो मेजोरिटी में होने लग गया, अक्सर बच्चे होते हैं उनको लैक्टोज सूट नहीं करता. वो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके उनके अंदर लेक्टोज इंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. लेक्टोज हमारे पास लेक्टेज इंजाइम्स की, सॉरी, लेक्टोज तो हमारे पास बन रहा है. अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ. व्हेन पीपल डू नॉट हैव इनफ ऑफ इंजाइम लेक्टेज, जब उनके अंदर इतना इंजाइम ये तो बन नहीं रहा, क्या थोड़ी अमाउंट में बन रहा है, ताकि वो लेक्टोज की ब्रेक डाउन कर सकें, जो भी हम मिल्क डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं. क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट मिल्क लें तो उन्हें डायरिया हो जाता है, या मतलब और डिफरेंट कंडीशन हो जाती है, तो उन्हें सूट नहीं करता वो मिल्क, तो उसे हम लेक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं. द अनडाइजेस्टेड लेक्टोज मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर बैक्टीरिया आर एबल टू डाइजेस्ट इट. मोस्टली ऐसे होता है कि कुछ लोग जैसे स्मूथीज के साथ डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो वो क्या होता है कि कोई जो भी अनडाइजेस्टेड लेक्टोज होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां बैक्टीरियाज पड़े होते हैं कुछ ऐसे जो उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. द बैक्टीरियल डाइजेशन ऑफ लेक्टोज प्रोड्यूस गैसेस, लेकिन उसके रिजल्ट में क्या होता है कि गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें डायरिया हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, और एब्डोमिनल क्रैम्स होते हैं, आपको दर्द में, पेट में दर्द वगैरह उठते हैं. लेक्टोज इंटॉलरेंस यूजुअली अकर इन अडल्ट, ये मोस्टली अडल्ट में होता है और अक्सर बूढ़ों में भी हो जाता है, लेकिन ये इतने इज एसोसिएटेड विद रेस, ठीक है. मोस्ट पीपल विद लेक्टोज इंटॉलरेंस कैन टॉलरेट सम अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन देयर डाइट. अच्छा, वो जो भी जिनको लेक्टोज इंटॉलरेंस होती है ना, वो अपनी डाइट में
कम अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट्स रखते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब हमारे पास जो डाइट्स के पेशेंट्स होते हैं तो फिर हम उन्हें उस लिहाज से सजेशन देते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि फिर वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं, उनमें लैक्टोज की डिफिशेंसी हो जाती है। अब ये नेक्स्ट आता है अब्सॉर्प्शन की, भी आपको भी बता दूँ कि ये नेक्स्ट थोड़ी ही स्लाइड्स रह गई हैं। चलें, अब्सॉर्प्शन टू द ब्लड स्ट्रीम। अब हमारे पास, मैंने आपको वो पीछे बताया था, हमारे पास ब्लड में गया, सॉरी इंटेस्टाइन में, वहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सारा कुछ बना। उसके बाद वो जाके हमारे पास ब्लड में कैसे अब्सॉर्ब हुआ, ये सारा उसका प्रोसेस है। द सेल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मेम्ब्रेन दैट कंटेन मैनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन ऑर्डर टू गेट द मोनोसैकेराइड्स। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पड़े हैं जो मोनोसैकेराइड्स को उठा के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में छोड़ते हैं, ब्लड में लेके जाते हैं और हेल्प आउट करते हैं। समझ ले वहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हैं, उन गाड़ियों ने डिफरेंट डिफरेंट ग्लूकोज, जो हमारे पास वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स बने हैं, उनको उठा के उनकी डिजायर रिक्वायर्ड जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे उनको लेके जाना है। सबसे पहले जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज को जो जगह रिसीव करती है वो हमारा लीवर करता है। लीवर सबसे पहले उसको रिसीव करती है, मीन्स हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास ये जो मोनोसैकेराइड्स है ना, ये हमारे पास लीवर में ही स्टोर होता है। लीवर अपनी जितना उसने रखना होगा वो रख लेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो मोनोसैकेराइड्स थे उनको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जब हमारे पास फास्टिंग कंडीशन होती है या जब हम अपनी बॉडी को ग्लूकोज नहीं ले रहे होते, तो वो हमारी इसी में से उठाता है बॉडी के, मीन्स के जब बॉडी नहीं, जब फास्टिंग कंडीशन में होती है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है, हम अपनी बॉडी को ग्लूकोज नहीं दे रहे होते, तब हमारी जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड ग्लूकोज लीवर में पड़ी होती है वहाँ से लेता है। द लीवर टेकन देम अप एंड कन्वर्ट ग्लैक्टोज टू ग्लूकोज। जब लीवर के पास जाएंगे तो जब वो ग्लैक्टोज को और फ्रुक्टोज को, ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, फ्रुक्टोज इट टू इवन स्मॉलर कार्बन कंटेनिंग यूनिट एंड ईदर स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद वापस ब्लड में एक्सपोर्ट कर देगा। जो ग्लाइकोजन होगी जिससे हमारे पास मसल्स में जाएगी, वहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया, ये देखें आप, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, इसने रिएक्ट किया सुपेज, माल्टेज, लैक्टोज, वो लीवर में गया, लिवर ने उसकी फर्दर ब्रेक डाउन कर दी। मेंटेनेंस ब्लड ग्लूकोज लेवल द पेंक्रियास एंड लीवर, ग्लूकोज रेगुलेट इट लेवल इन ब्लड वी आर प्रोसेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ऑब्वियसली ये सारा ना इसमें वही प्रोसेस बताया है कि ये एंड से मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, हमारा पेंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन हमारे जो ग्लूकोज पड़ी है, ग्लाइकोजन पड़ी है, ग्लूकोज को उसको रिमूव कर देता है ब्लड में से, ठीक है।